डीडीसी साहब के यहाँ गए, अध्यक्ष महोदया के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2.5 साल से हम लोग इधर उधर करते थक गए, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। काम नहीं होगा तो हम क्षेत्र में किस मुंह लेके जाएंगे? वहाँ की जनता तो हमसे सवाल करती है ना कि हम आपको इसीलिए जिता के भेजे हैं, तो हम मजबूरी हो के आज यहाँ आए हैं धरना देने के लिए। क्या मर्यादा है जिला परिषद का? अध्यक्ष को डीडीसी के चैम्बर में जाके बैठना पड़ता है, जो इस जिला परिषद का बॉस होते हैं, और वह जाके सचिव के चैम्बर में 4 घंटा से कल भी बैठे, आज भी बैठे, लगातार बैठ रहे हैं, और कोई भी कागज पर वहां साइन ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनसे कुछ भी बरगला कर गलत सलत दस्तखत करा लिया जाता है, जिसका उदाहरण आज आप लोग जिला परिषद में धरना बैठे हैं, क्या कहेंगे, क्या कारण है? कारण यही है कि मेरे क्षेत्र में 2.5 साल में एक भी कार्य नहीं हुआ है। डीडीसी महोदय को कहते कहते हम थक गए, वो आश्वासन देते देते थके नहीं। अब हम उनसे आश्वासन ले और हम अपने क्षेत्र की जनता को कितना ठके, कितना बरगलाए। हम भी उनको आश्वासन देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है, इसलिए हम आज मजबूर होके यहाँ धरना पर बैठे हैं। किस क्षेत्र की बात? क्षेत्र संख्या 15 बीरपुर। क्या नाम है? शिल्पी चौरसिया, जिला पार्षद हैं। डीडीसी साहब के यहाँ गए, अध्यक्ष महोदया के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2.5 साल से हम लोग इधर उधर करते थक गए, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। काम नहीं होगा तो हम क्षेत्र में किस मुंह लेके जाएंगे? वहाँ की जनता तो हमसे सवाल करती है ना कि हम आपको इसीलिए जिता के भेजे हैं, तो हम मजबूरी हो के आज यहाँ आए हैं धरना देने के लिए। 2.5 साल से आप जिला पार्षद हैं जी, और आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, और आज आप लोग धरना पे बैठे हैं। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा था, हम भी सोच रहे थे कि काम हो जाएगा, लेकिन अब बैठने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम सभी लोग, हमारा ही नहीं और भी जिला पार्षद के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, तो हम सभी एकजुट होकर आज धरना पे बैठे हैं। कितने जिला पार्षद है आप? अभी 7 हैं, 7 आए हुए मैडम है। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, समाज सेवी हैं। क्या कहेंगे आज आप लोग? जब से डीडीसी महोदय आए हैं, 1 साल हो गया, आज उनका नेट 15 तारीख को ज्वाइन किए थे, 16 तारीख है। इस 1 साल में एक भी प्रशासनिक ये नहीं किए हैं, और न करने देते हैं किसी को काम क्षेत्र में। मेरे जैसे कई पार्षद हैं जो डर से नहीं बोलते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आप बोलिएगा तो आपके क्षेत्र का योजना रोक देंगे, इसलिए बहुत ढेर सारे पार्षद नहीं आए हैं। और जो कुछ बाहुबली पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में सारा काम हो गया, सारा पेमेंट भी हो गया है। और आज के डेट में अगर आप सत्यापन करते हैं, कोई पदाधिकारी अगर सत्यापन करते हैं, तो स्वतः दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगभग 3 ही पार्षद हैं, 35 में लगभग 20 ऐसे पार्षद हैं जिनका काम नहीं हो रहा है। हो रहा है, इक्का दुक्का हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जबकि अरबों का राशि रखा हुआ है यहाँ, लेकिन खर्च करने के लिए हमारे अध्यक्ष और जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं नहीं तैयार हैं। मांग तो कई बार लिखित मौखिक रूप में हम डीएम साहब तक किए हुए हैं। एडीएम साहब थे तो उस समय उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ था, लेकिन इनके कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप लोग मिले हैं अभी? हाँ मिले हैं, कई दिन मिले हैं। मिले हैं तो कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा बता के नहीं, अभी नहीं मिले हैं हम लोग। हम आज सुबह से ही धरना पे इनके साथ बैठे हुए हैं। आप लोग मांग क्या कर? मांग मेरा यही है कि सभी क्षेत्र में जितने भी राशि 2024 तक बचा हुआ है, 2022 से 2024 तक, उस सभी राशि को सभी क्षेत्रों में खर्च कर दिया जाए। जो योजना है पार्षद का अनुशंसित, उस मद में सारे राशि को खर्च करके शून्य कर दिया जाए, फिर नए सिरे से 24-25 का भी राशि आया हुआ है उसका खर्च किया जाए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, किसी भी पार्षद के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए जो इनके साथ हुआ। तब आज जा करके थक हार करके इन्होंने धरना पर बैठने का काम किए, और इनके क्षेत्र में एक भी योजना नहीं हुआ, और क्षेत्र के जनता से ये जवाब देते देते थक गए। लोग चुनाव जीतता है, तो आप लोग भी मीडिया से हैं, समझते होंगे, चुनाव जीतने के बाद लोग कहता है कि जे ओ पार्षद जी की कर लो हमारा क्षेत्र में, अभी तक कोनो योजना लखा नहीं दे छे। तो सवाल तो जनप्रतिनिधि से करेगा, डीडीसी साहब के सामने तो कोई जनता आते नहीं है कि उनको पता चलेगा कि जनता का क्या मार है। तो यही सब लेकर के आज धरना पर बैठे हैं। कुछ लोगों का काम हुआ और परसेंटेज पार्षद का नहीं हुआ। क्या नाम? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार शर्मा, चेरिया बरियारपुर, क्षेत्र संख्या 9। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मांग तो अभी जितने भी पार्षद जी जो बताए तो उसी के लिए हम लोग यहाँ सारांश में इतना ही कहना चाहेंगे कि आज शिल्पी मैडम ही नहीं सिर्फ बैठी हुई है, ये सब पार्षद के लिए बैठी हुई है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे अन्य पार्षद को भी कि इस लड़ाई में संघर्ष में सबों की भलाई है, इसलिए आप सब एकजुट होकर इस भ्रष्टाचारी तंत्र को खत्म करने के लिए एक साथ आए। आज नहीं आए लेकिन कल जरूर आए, तभी इस जिला परिषद का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आप क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक रहेंगे। जी मेरा नाम नीतीश कुमार यादव, हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से हैं, बरौनी पड़ता है। हम लोग पता चला था कि रोशन जी आज शिल्पी जी आज बैठ रहे हैं धरना पर, तो हम सदस्य के नाते इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। जहाँ तक काम की बात रही तो इक्का दुक्का काम होता है लेकिन ना के बराबर ही काम होता है। और यहाँ पे जो है सो फूट डालो और राज करो का शासन लागू है। मुँह किन्हीं पार्षद को मुँह मांगा योजना दिया जाता है, किन्हीं को जो है सो साफ वंचित रखा जाता है। आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? जी मेरे क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, बहुत सारा काम, बहुत सारा राशि भी बची हुई है। आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं बहुत दिनों के बाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यह जिला परिषद का दुर्भाग्य है जो जिला परिषद सदस्य को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, योजना स्वीकृत कराने के लिए धरना देना पड़ा, यह दुर्भाग्य की बात है। और बराबर इस मामला को सदन के माध्यम से हम लोग उठाते थे, आश्वासन पर आश्वासन मिलता था लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता था। ऐसी ऐसी योजना रुकी हुई है लगभग एक साल से, जिसका एनओसी आए हुए साल हो गया, चुन के योजना दिया जाता है। 6 योजना का एनओसी आया मेरा, तो 2 योजना ही स्वीकृत किया गया, 4 योजना, जबकि एनओसी साथ में आया 6 योजना का चुन चुन के। ऐसी ऐसी जिला परिषद में समस्या है, अब क्या कहें। अब डीडीसी साहब कहाँ से मजबूर हैं, अध्यक्ष जी कहाँ से मजबूर हैं, स्वीकृत नहीं कर पाते हैं, हम लोग को समर्थ से परे है। और आज हम सुबह से हम लोग लिखित दिए हैं, आज से एक सप्ताह पहले, बाय ईमेल, बाय पोस्ट, हैंड टू हैंड, और उस पर कहीं कोई जू नहीं रेंगा। आज धरना पर सुबह से बैठे हुए हैं, कहीं किसी का जू नहीं रेंग रहा है, यह क्या है? यह हम तो कहते हैं कि सुशासन में यह कैसी कुशासन बेगूसराय जिला परिषद की व्यवस्था है, इसकी जांच हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यापक रूप से जिला परिषद की जांच हो। मुलाकात हुई है ना? कोई मुलाकात, हम लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया, न वो डीडीसी साहब आए, न उनके कोई प्रतिनिधि आए हम लोग से बात करने, नहीं कोई काम के प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। एकदम हिटलर शाही, अफसर शाही कायम है जिला परिषद में। अध्यक्ष लिखित देते हैं समान बैठक बुलाने का, तो डीडीसी साहब बैठक नहीं बुलाते हैं, उसको विशेष बैठक में कन्वर्ट कराते हैं अध्यक्ष को अपने चैम्बर में बुला के। अभी भी अध्यक्ष डीडीसी साहब के चैम्बर में 2 घंटा से बैठे हुए हैं, कल भी 4 घंटा अध्यक्ष डीडीसी साहब के चैम्बर में बैठते हैं। क्या मर्यादा है जिला परिषद का? अध्यक्ष को डीडीसी के चैम्बर में जाके बैठना पड़ता है, जो इस जिला परिषद का बॉस होते हैं, और वह जाके सचिव के चैम्बर में 4 घंटा से कल भी बैठे, आज भी बैठे, लगातार बैठ रहे हैं, और कोई भी कागज पर वहां साइन ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनसे कुछ भी बरगला कर गलत सलत दस्तखत करा लिया जाता है, जिसका उदाहरण डीपीआरसी है, जिसका उदाहरण 15वीं विधायक का स्वास्थ्य भवन है, अनेकों उदाहरण है जिला परिषद में जो गड़बड़ी का भरमार है। अगर इसकी जांच हम मांग करते हैं सरकार से कि राज्य स्तर से इसकी जांच कमेटी बनाई जाए, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला परिषद में घोटाला उजागर होगा। क्या नाम है? अमित कुमार देव, जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 13, बकरी।